नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया .com में प्रकाशित एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख से संबंधित जानकारी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कम से कम समय में दूँ, इसीलिए इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, दिल्ली के RTE दाखिलों का संचालन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यानी कि दिल्ली का शिक्षा विभाग करता है, और दिल्ली के शिक्षा विभाग ने पारित किया है एक ऑर्डर जिसमें कहा गया है कि यदि वे प्राइवेट स्कूल जो बच्चों को RTE दाखिलों देने से मना करते हैं, उन स्कूलों की मान्यता यानी कि रिकॉग्निशन को कैंसल यानी कि रद्द किया जा सकता है, विड्रॉ की जा सकती है ऐसे स्कूलों की रिकॉग्निशन। ऐसा इसलिए हो रहा है कि बहुत से पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं DOE में, कहा जा रहा है कि स्कूल अलग अलग बहाने बना रहे हैं। कई स्कूलों ने तो बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को दाखिला दिया, किताबें दी, साथ ही बच्चों को ड्रेस भी दी, लेकिन कुछ ऐसे स्कूल हैं जो बहाने मार बना रहे हैं, अलग अलग तरह के बेवजह की बातें कहकर बच्चों को दाखिला नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में जो कंप्लेंट्स आ रही हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में, ढेर सारी, उन सब कंप्लेंट्स को ध्यान में रखते हुए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने सभी DDs ऑफिशियल्स को कहा है कि वे मदद करें, पेरेंट्स की स्मूथ एडमिशन्स करवाएं 10 दिनों के भीतर भीतर, जल्दी से जल्दी, क्योंकि 16 जून तकरीबन आखिरी अंतिम तिथि है, 10 दिन भी नहीं कहूँगी, तकरीबन 8 दिन जो बचे हैं अंतिम तिथि है दाखिले की। जो पहले अंतिम तिथि मई में थी, अब वह जून में बढ़ा दी गई है, 16 जून है। तो ऐसे में DDE ऑफिशियल्स को कहा गया है कि वे मदद करें पेरेंट्स की, और स्कूल्स को कहा गया है कि अगर आप नहीं बच्चों को एडमिशन देंगे जो RTE के तहत आते हैं, तो हम सोच रहे हैं ऐसे स्कूलों की मान्यता को रद्द कर दें। और आप सभी को बताना चाहूँगी कि बहुत से पेरेंट्स हैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि क्या क्या वजह है, क्या क्या बेवजह हमारे बच्चों को दाखिला नहीं दिया जा रहा है, और वह सभी वजह, वह सभी बातें कंप्लेंट्स के रूप में डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन पहुँच रही हैं। और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का कहना है कि अब ऐसे स्कूलों को सख्ती से उनके साथ कहीं ना कहीं उनके साथ सख्ती से पेश आना ज़रूरी है। इसीलिए स्कूलों को कहा गया है कि अगर आप नहीं देंगे दाखिला, तो आपके स्कूलों की मान्यता को रद्द किया जा सकता है। तो यदि संबंध में और भी महत्वपूर्ण जानकारी मुझे पता चलेगी, वह मैं आपको ज़रूर आपके लिए लेकर आऊँगी। लेकिन आप सभी को बताना चाहूँगी कि अभी मैं एक नोटिफिकेशन की जानकारी भी आपके लिए लेकर आई थी, जिसमें साफ साफ डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने कहा है कि दूरी कोई आधार नहीं है जिसके ध्यान में रखते हुए बच्चों को दाखिला स्कूलों में ना दिया जाए। क्योंकि पहले कहीं ना कहीं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने 27 अप्रैल को एक नियम ज़रूर बना दिया था कि 1 किलोमीटर दूरी होनी चाहिए घर से स्कूल की, उन्हीं नर्सरी के बच्चों को दाखिला मिले, लेकिन बाद में DOE ने यह नियम रद्द कर दिया था। तो आप सभी को पता होना चाहिए अब ऐसा कोई भी नियम नहीं है। हाँ, नर्सरी के बच्चों के एड्रेस वेरिफिकेशन ज़रूर हो सकती है कि वे जो एड्रेस फॉर्म में भरा है वहीं रहते हैं, लेकिन वैसे वेरिफिकेशन है, एक जांच है कि आप वहीं रहते हैं, इसका अगर आप वहीं पाए गए, आप वहीं रहते हैं उसी जगह पे, तो बच्चों को दाखिला ज़रूर मिलेगा, चाहे आपका घर के स्कूल की दूरी कितनी भी होगी। और यह जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है, वेरिफिकेशन का जो तरीका है, यह KG और कक्षा पहली के बच्चों के लिए नहीं है। KG और कक्षा पहली के बच्चों को बिना किसी एड्रेस वेरिफिकेशन के एडमिशन मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। और अगर मुझे ऐसे ही बड़े बड़े न्यूज़पेपर वेबसाइट्स के द्वारा जानकारी पता चली क्या डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन कह रहा है, वह मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।